हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि बहुत लोगों का सपना होता है पीएचडी करने का और आईआईटी से पीएचडी करने का, बहुत स्टूडेंट का सपना होता है, तो उसी के लिए आईआईटी गांधीनगर ने अपना 2022-2023 सेमेस्टर का पीएचडी फॉर्म निकाल दिया है। तो आज हम इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको देंगे कि पीएचडी का ये फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं और क्या क्या और इन्फॉर्मेशन है, वो सारी जानकारी हम आज आपको देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल कंपटीशन वेल पर भारत की लगभग सभी आईआईटीज के स्टूडेंट ने अपना इंटरव्यू दिया है कि हम कैसे पीएचडी इंटरव्यू की तैयारी करें और किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, हमारे चैनल पर आईआईटी के प्रोफेसर ने भी इंटरव्यू दिया है कि हम पीएचडी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हम लोग अब्रॉड की भी वीडियो डालते हैं कि अब्रॉड में हम पीएचडी कैसे करने जाए, ये बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम लोग अपने चैनल पर डालते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको तुरंत मिलती रहेंगी, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए बात करते हैं आईआईटी गांधीनगर की। आईआईटी गांधीनगर की सेमेस्टर 2022 और 2023 के पीएचडी के फॉर्म ओपन हो चुके हैं। ये आईआईटी गांधीनगर का होम पेज है, तो हम देख सकते हैं एडमिशन में देखिए लिखा है द एप्लीकेशन पोर्टल फॉर पीएचडी एडमिशन इन सेमेस्टर 2022-23 इज ओपन नाउ, यानी कि ओपन हो चुके हैं। आप ये डाउनलोड ब्राउचर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बाई इंपॉर्टेंट डेट्स है, अप्लीकेशन डेडलाइन है 9 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। अनाउंसमेंट ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे वो 17 से 20 अक्टूबर के बीच में होंगे, ठीक है। अनाउंसमेंट उसका हो जाएगा 4 से 15 नवंबर में रिटर्न एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, और 24 नवंबर में रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ये दिखा दूँ, देखिए इसका एडवर्टीजमेंट है, आप ये देख सकते हैं, जो अभी मैंने बताया सिंपल वही है। आप यहाँ से ये देखिए, आप यहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करने के बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था। इसी तरीके की और जानकारी जानने के लिए हम लोग लगातार ऐसे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।